नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केरकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल जो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। मेंटली फिट होने के लिए जो भी स्टेप्स आप लेंगे, कोई अगर मानसिक तनाव आप फेस कर रहे हैं या फिर कोई डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आजकल लोग बात करने लगे हैं और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और चाह रहे हैं कि उन्हें पता चले कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और मेंटल हेल्थ आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी लोग उत्सुक है जानने के लिए कि मेंटल डे टू डे लाइफ में अगर आपको मेंटली फिट रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ये काफ़ी एक आम डाउट होता है, काफ़ी एक कॉमन क्वेरी होता है लोगों का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, पर जो इम्पॉर्टेंट मुझे ख्याल में आया और जो काफ़ी वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के बारे में वो अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि पॉइंट नंबर वन, कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, ये आप अगर समझने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसके पहलू होते हैं काफ़ी, और कुछ अपने कंट्रोल में होते हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं होते। तो अगर आप इनको डिवाइड कर पाते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में है और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में आप छोटी छोटी बातें करना शुरू कर सकते हैं। जो भी आपके हाथ में है, जो भी आप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो छोटे छोटे स्टेप्स आप रोज़ ले सकते हैं और वो प्रॉब्लम आपकी थोड़े दिनों में कम हो जाएगी। तो दैट इज़ नंबर वन, आइडेंटिफाई वॉट इज़ इन योर कंट्रोल एंड वॉट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। नंबर टू, शेयरिंग विद समवन, किसी दोस्त के साथ, कोई अगर आपका क्लोज व्यक्ति है उसके साथ, या फिर काफ़ी लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, तो डायरी में आप जब लिखते हैं तो होता ऐसा है कि शेयरिंग में काफ़ी चीज़ें बाहर आती है, आप लोगों के पास चले जाते हैं, लोग आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि शेयरिंग से होता है कि आपको भी, आप भी दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और दूसरों को भी अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। तो इससे जो है काफ़ी जो भी आपको स्ट्रेस है वो कम हो सकता है और एक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं लोगों से शेयर करके, लोगों से बात करके। अगर आप इन लोगों में से है जो डायरी लिखते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप जब लिख रहे हैं तो आपका जो मूड है, आपके इमोशंस है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं लिखते वक्त, और वो बाहर आ सकते हैं और एक प्रकार का रिलीफ आपको मिल सकता है कि ओके, ये हो रहा है, मुझे ऐसा मुझे लग रहा है, ये आप एक्नॉलेज करते हैं कि ये मतलब मैं ये महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो दैट रियली हेल्प्स। सो शेयरिंग इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज के कितने फ़ायदे हैं ये तो मैं बताते बताते थक जाऊंगी, क्योंकि सारे ही लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज आपके रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों में से है जो आधा या मतलब हाफ एन आवर या 45 मिनट्स भी एक्सरसाइज के लिए नहीं दे रहे हैं खुद के लिए, तो आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना टाइम आपने देना ही चाहिए आपके एक्सरसाइज के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए। उससे मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होता है, मेंटली भी आप अच्छा महसूस करते हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। आप जब भी एक्टिविटी करते हैं कोई, तो अच्छा लगता है कि आज मैंने एक्सरसाइज की है, और उससे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज होते हैं अपने बॉडी में, ब्रेन में, तो उससे भी एक मेंटल वेलनेस का फीलिंग आता है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर थ्री। सो पॉइंट नंबर फोर इज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव्स इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव्स, यानी कि आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव बातें हैं उसके बारे में आप उसको, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ना कि जो नेगेटिव है, ना कि जो आपके फेवर में नहीं है उन बातों के बारे में।
जो भी आपको जो जिसके भी ऊपर आप फोकस करेंगे वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती रहेंगी और वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, और जो आप फोकस से निकाल देते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जॉब पे है और उसको अगर कभी बॉस ने कुछ बोला या फिर बॉस इज़ नॉट हैप्पी अबाउट हिज वर्क, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे लगना कि बॉस तो मुझे ऐसा क्यों बोला उन्होंने, मैं तो काम करता हूँ। तो ये हो गया फोकस ऑन द नेगेटिव। आप मतलब ऐसे अगर थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं कोई इंसिडेंट के बाद, तो वो इंसान जो बुरा है, जो मतलब नेगेटिव बात हो गई है उस पे उसका फोकस ज़्यादा जा रहा है। तो वही इंसान ये कर सकता है कि रिमेम्बर द टाइम्स व्हेन आपका जो बॉस है वो आपके काम से काफ़ी खुश था, आपको उसने कुछ अच्छा बोला या फिर आपकी सबके सामने तारीफ करी, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, और आपको वो जॉब है आपके हाथ में, आप काम कर रहे हैं रोज, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो जॉब होना ये भी बहुत अच्छी बात है आपके, मतलब आप अगर कहीं पे जॉब पे है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो रादर देन फोकसिंग कि मुझे बॉस ने कुछ बोला, उसके बजाय आप फोकस कर सकते हैं कि मेरे पास जॉब है और मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है और मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, और कभी ऐसा भी होता है कि बॉस मुझे अच्छा भी बोलता है। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स, पर जो ब्रेन होता है कभी कभी इट टेंड्स टू फोकस ओनली ऑन द नेगेटिव एंड इग्नोर्स द पॉजिटिव। तो अगर ये आप कर रहे हैं कोई भी सिचुएशन में, घर में, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, हर एक सिचुएशन में ये अप्लाई होता है कि जो भी पॉजिटिव बातें हैं उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा जाना चाहिए। सो दैट इज पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन द पॉजिटिव, इग्नोर द नेगेटिव। पॉइंट नंबर 5, कीप गुड कंपनी, यानी कि आप ऐसे लोगों के बीच होने चाहिए जो पॉजिटिव है। अगर आपके अराउंड लोग पेसिमिस्टिक है, नकारात्मक विचार रखने वाले हैं, ऐसे बोलने वाले हैं कि यार ये तो सारे लोग ही ऐसे ही होते हैं, खराब ही होते हैं सब लोग, या फिर ऐसे बोलना कि ज़िंदगी बहुत ही बुरी चालू है, ये कब बदलेगी, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे अगर लोग हैं या फिर आपको डिस्करेज करने वाले लोग हैं कि ये मत कर, ये तो तू फेल ही हो सकता है, या फिर ये तो मुश्किल है तेरे से होना, या फिर जो भी नेगेटिव टोन्स होते हैं कि इस डरने वाले लोग फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो नेगेटिव इमोशंस जिनमें ज़्यादा है ऐसे लोग अगर आपके आसपास है तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो एक प्रकार से आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं। तो ये देखिए कि आपके अराउंड के जो लोग हैं, 5 लोग, वो कैसे हैं, और प्रयास करिए कि आपके जो आप जिनके कंपनी में हैं वो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए और सेटिस्फाइड हैप्पी होने चाहिए और पॉजिटिविटी वाले लोग होने चाहिए। तो दैट इज़ नंबर 5, कीप गुड कंपनी, कीप पॉजिटिव कंपनी। पॉइंट नंबर 6, एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आजकल की ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग करते होंगे शायद, कि खुद के साथ थोड़ा वक्त अकेले बिताना। आजकल जो ज़िंदगी चालू है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड है, सारे लोग काम में बिजी है, सारे लोग मोबाइल में बिजी है। सो ऐसा मौका बहुत ही रेयरली आता है कि आपके पास कोई भी काम नहीं है और आप सिर्फ अकेले बैठे हैं, खुद के साथ बैठे हैं, या फिर खिड़की के बाहर देख रहे हैं, या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारे आपके जो खिड़की के बाहर जो नज़ारा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ मिनटों का भी ये जो समय है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है टू सेटल डाउन, टू बी एट पीस, और जो भी आपके लाइफ में चालू है उसके बारे में सोचने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए। तो ये जो मी टाइम होता है ये आपके दिन में होना चाहिए एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, मे बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो ये जो टाइम है उसमें आप रिलैक्स हो सकते हैं, एट पीस हो सकते हैं और शांति महसूस कर सकते हैं। तो ये टाइम होना चाहिए आपके रूटीन में कि 5 या 10 मिनट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद के साथ वक्त बिता रहे हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 6, बीइंग अलोन फॉर सम टाइम। एंड पॉइंट नंबर 7 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल्स लाइफ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स, यानी कि लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या लोग जिस समय से गुजर रहे हैं उसमें उनकी जो भी आपके हिसाब से जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर टाइम के अंदर, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं
आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको वक्त दे सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी उनके बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे चालू है, क्या चालू है. तो यू आर इन अ वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर लाइफ, और तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लाइफ में. उनको टाइम दे सकते हैं आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं. तो किसी भी प्रकार आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के लाइफ में, सो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस. आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे और आपकी जो मेंटल स्थिति है वो अच्छी रहेगी. तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए. तो ये आप रूटीन में अगर आप इनकलकेट करेंगे, ये अगर रोज के ज़िंदगी में आप करने लगेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप बदलाव महसूस करेंगे. कुछ दिनों में आपकी जो मेंटल स्टेट है वो, उसमें बदलाव आप 100% महसूस करेंगे. तो ये आप ट्राई कीजिए, और आपको क्या इफेक्ट होता है ये भी आप बता सकते हैं मेरे को. वीडियो मतलब जो भी आपको महसूस हुआ वो आप बता सकते हैं मुझे, नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं. यानी कि मुझे भी एक प्रेरणा मिलेगी कि सच में ये काम, जो भी मैं ये काम कर रही हूँ, ये लोगों तक पहुँच रहा है और उनको फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.